नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास में आज हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, विलासी वर्ग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन समाजशास्त्री थॉस्टिन बेबलेन ने एक सिद्धांत दिया था, विलासी वर्ग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके कारण थॉस्टिन बेबलेन की आज भी समाज में काफ़ी चर्चा की जाती है। थॉस्टिन बेबलेन ने 1899 में अमेरिका के आर्थिक संस्थानों, अमेरिका के कई आर्थिक संस्थानों का अध्ययन किया और अमेरिकन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन करके उन्होंने उसके वर्गों के आधार पर चर्चा की। हम सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में अर्थ महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार से थॉस्टिन बेबलेन के सिद्धांत जो हम देखते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो मार्क्स के सिद्धांतों के समानांतर ही उन्होंने व्याख्या की है, लेकिन थोड़ा हटके, मार्क्स से थोड़ा हटके उन्होंने वर्गों की व्याख्या की है, लेकिन इसमें उन्होंने भी अर्थ को महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है अर्थ जो है, जिस तरह से समाज में जितने भी हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें अर्थ एक महत्वपूर्ण होता है। तो लेजर क्लास जो है ये आर्थिक उपभोग जो होता है, कंस्पेसेस ऑफ कंजम्पशन, इसको लेके उन्होंने चर्चा कर दी है। बेबलेन कहते हैं कि समाज में आर्थिक उत्पादन और आर्थिक उपभोग की जो प्रकृति है यही सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करती है। यानी उनका कहना था हमारी जो सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण हो रहा है दो चीज़ों पर हो रहा है, एक आर्थिक उत्पादन इकोनॉमिक प्रोडक्शन और दूसरा आर्थिक उपभोग इकोनॉमिक कंजम्पशन। उपभोग और उत्पादन आर्थिक आधार पर जब व्यक्ति समाज में किसी भी चीज़ का उत्पादन और उत्पादन के बाद उसका उपभोग करता है, उसको उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण होता है। बेबलेन कहते हैं सामाजिक क्रिया जो मनुष्य द्वारा की जाती है, सामाजिक क्रियाएं, उसके दो भाग हैं, उन्होंने दो भागों में उसको डिवाइड किया है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, एक है उत्पादक कार्य, प्रोडक्टिव वर्क। उन्होंने कहा व्यक्ति दो प्रकार के कार्य करता है, एक उत्पादक प्रोडक्टिव वर्क करता है और दूसरा अनुत्पादक यानी अनप्रोडक्टिव वर्क। बोले ये दो जो कार्य हमें व्यक्ति के प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, इनसे सामाजिक वर्ग जो है दो वर्गों में बट गया है। अब कह रहे जो हम काम करते हैं ना, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव कार्य, उसके आधार पर ही बेबलेन कहते हैं पूरे समाज में सामाजिक वर्ग दो वर्गों में बट गए। वो कौन कौन से वर्गों की चर्चा करता है? पहला वर्ग उसने बताया श्रमिक, बोलता है पहला वर्ग जो है श्रमिक है, श्रमिक वर्ग, इसको उसने कहा प्रोडक्टिव क्लास है, ये उत्पादक करने वाला वर्ग है, है ना, प्रोडक्टिव क्लास है। दूसरा कहता है विलासी वर्ग, ये लेजर जो होता है ना, लेजर क्लास है, ये आलसी, विलासी यानी आलसी वर्ग है। अब इन दोनों को उसने अलग अलग प्रकार से चर्चा करता है। वो कहता है कि अर्थ जो है, पिक्योरी जो है, यही सामाजिक व्यवस्था का निर्णायक तत्व है। समाज में अर्थ, पैसा जो है, धन जो है, ये पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था का एक निर्णायक एलिमेंट है। आर्थिक उत्पादन और आर्थिक भोग की प्रवृत्ति जो है, ये जो चलती है ना, आर्थिक उत्पादन आर्थिक उपभोग, हर समाज में यही सामाजिक व्यवस्था निर्धारित करती आई है। ये कहते हैं कि बेबलेन कहता है कि समाज में उद्विकास की प्रक्रिया जो है, उद्विकासी प्रक्रिया की निरंतरता से समाज में कई प्रकार की संस्थाएं विकसित हुई हैं। व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था, एक वो कहता है एक व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था है ना, इसमें उत्पादन की एक व्यवस्था में बनी व्यक्तिगत, मेरी अपनी संपत्ति की व्यवस्था है तो मैंने व्यक्तिगत संपत्ति अपनी स्थापित कर ली है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। दूसरा कहता है उत्पादन की प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित संस्था, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड प्रोडक्शन। तो दो प्रकार की, वो कहता है कि संस्थाएं, दो प्रकार की आर्थिक संस्थाएं विकसित हुई हैं, जिसमें विलासी वर्ग जो है वो पहली बार कार्य की संस्था है, व्यक्तिगत संपत्ति, उनके पास सारी संस्थाएं रहती हैं, उत्पादन के साधन मशीन होती है, जमीन होती है, ये सब उनके पास होता है। और प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित संस्था जो है वो श्रमिक है, वो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हुए करता है, उसका सिर्फ ये रहता है कि मेरे जीवन यापन हो जाए, इससे ज़्यादा उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अब दो प्रकार के जो उन्होंने बोला है ना, व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था विलासी वर्ग में बांट दी, उत्पादन की संस्था जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो
जनता की है, यानी श्रमिक की है। अब श्रमिक वर्ग जो है, जो कहलाता है श्रमिक वर्ग, प्रोडक्टिव क्लास, ये क्या है इसको हमें देखना होगा। श्रमिक यानी समाज की जरूरतों को पूरा करने वाली, समाज की जरूरतों को पूरा करने वाली उपयोग की संपूर्ण सामग्री का उत्पादन करने वाला वर्ग जो है वो कहता है, ये कहलाता है श्रमिक यानी लेबर, ये कहलाता है श्रमिक, जो समाज की उपयोग की आवश्यकताएं, हमारी आपकी जो उपभोग की आवश्यकता है उनकी पूरी पूर्ति करने वाला, उत्पादन करने वाला वर्ग श्रमिक वर्ग कहलाता है। और दूसरा जो विलासी वर्ग है, जिसपे ही इनका पूरा सिद्धांत टिका है, ये कहता है विलासी वर्ग यानी लेबर क्लास, ये वो वर्ग है जो अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव कार्यों में संलग्न रहता है, यानी विलासी वर्ग अनप्रोडक्टिव कार्यों में संलग्न रहता है, उसका इन्वॉल्वमेंट अनुत्पादक कार्यों में रहता है, ये परिश्रम नहीं करता, ये लेबर नहीं करता, ये उत्पादन भी नहीं करता, लेकिन उत्पादन के सारे साधन यानी उत्पादन के जो साधन है उस पर अपना अधिकार रखता है, इसका समाज पे अपना प्रभुत्व होता है, ये समाज को डोमिनेट करके रखता है, ये विलासिता अकर्मण्यता या कर्मण्यता की बात नहीं कर रहा है। बेबलन कहता है विलासिता उपभोग अकर्मण्यता या कर्मण्यता नहीं है, बोले ये काम नहीं करते लेकिन उत्पादन के सारे साधनों पे इनका अधिकार होता है, इनका प्रभुत्व होता है, अनप्रोडक्टिव होते हैं। इसको उसने स्पष्ट किया है कि बोले देखिए आप, वो कहता है कि समाज के अंतर्गत, बोले समाज में पुरुष और महिला दो वर्ग शुरू से थे और प्रारंभिक काल से लेके आज तक महिलाएं पूरा काम करती थी, घर का काम भी करती थी, जंगल से लकड़ी और वनोपज भी लाती थी, खेत में भी काम करती थी, यानी महिलाएं पूरा प्रोडक्शन का काम करती थी। और पुरुष वर्ग क्या करते थे, वो घर में बैठकर, पुरुष घर में बैठकर आराम करते थे, खेती भी जाते थे, आराम करते थे, ये वर्ग था। तो उसमें उनका प्रभुत्व चलता था महिलाओं पे, उनको डोमिनेट करके रखते थे, उनको दबा के रखते थे, ये दो प्रकार। फिर इसके बाद थोड़ा विकास हुआ, सामंतवादी वर्ग आया, तो सामंतवादी वर्ग में भी दो प्रकार के वर्ग बने, एक जिनके पास ताकत थी, पावर था, शारीरिक और बौद्धिक शक्ति थी, एक उनका वर्ग बना। वो कौन सा वर्ग बना, शारीरिक ताकत और बौद्धिक शक्ति वाला वर्ग बना, आपका मालिक है ना। और दूसरा वर्ग कौन था, वो उनके गुलामों का, नौकरों का, तो वो बैठ कर उसे काम करवाते थे वो काम। तो ये प्रकार के दो वर्ग थे। अब आज पूंजीवादी व्यवस्था में देखिए, पूंजीपतियों का एक वर्ग है और एक श्रमिकों का। श्रमिकों का वर्ग जो है प्रोडक्टिव, वो प्रोडक्शन करता है, और पूंजीपति क्या करते हैं, अपने कौशल पे, अपने आर्थिक और अपने बौद्धिक कौशल पे उपभोग करते हैं। तो ये दो प्रकार के वर्गों की बात करता है। फिर इसी में उसने कहा कि वास्तव में विलासी वर्ग जो है, ये हर विलासी वर्ग और श्रमिक वर्ग हमेशा रहता है ना। और यहाँ पे उसने अब विलासी वर्ग की जो व्याख्या है उसके आधार पर उसकी विशेषताएं भी उसने दी है, विशेषताओं को बताते हुए कहता है विलासी वर्ग का व्यवहार जो है, लेजर क्लास का जो व्यवहार है, आर्थिक विचारों से निर्देशित और नियंत्रित होता है। विलासी वर्ग दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों पर अपना प्रभाव रखने के लिए क्या करता है, प्रदर्शन की प्रवृत्ति करता है, दिखावे की प्रवृत्ति रखता है। ये अपने प्रभुत्व दर्शन को प्रदर्शित करने के लिए, अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए, ये मेरा प्रभुत्व है, तो ये क्या करता है, बहुत ही आकर्षक उपभोग करता है, शानदार कपड़े पहनेगा, शानदार गाड़ियों में चलेगा, बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा कि हम सब सामान्य लोग जब रहते हैं बाजार में या कहीं भी जाते हैं तो एक बड़ी लग्जरी मर्सिडीज बेंज आती है, ऑडी कार आती है ना, तो लोग एक बार नज़र जरूर डालते हैं, अरे कौन आया, एकदम अलग से। तो ये प्रभावी है, ये अपना आकर्षक उपभोग करते हैं, ये अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, ये लोग सामान्य तौर पे जा सकते हैं लेकिन ये हर साल गाड़ियां बदलते हैं, इनको मालूम है एक गाड़ी में साल भर चलाऊंगा कोई पसंद नहीं करेगा, अरे यार वो ही है, तो ये गाड़ियां बदलते हैं। फिल्मी सितारों को देखिए, हमेशा बदलते रहते हैं अपने गाड़ियां बंगले। दूसरी चीज, विलासी वर्ग के लोग आकर्षक उपभोग के साथ ही साथ आकर्षक विलासिता कंसिपेसियस डिजायर में भी विश्वास रखते हैं, आकर्षक विलासिता बड़े उपभोग के साथ ऐशो आराम के रहते हैं। ये उत्पादन के साधनों जैसे खेत, फैक्ट्री, प्रतिष्ठान और इन निजी संपत्ति के स्वामी होते हैं, इन सब के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। इसलिए उसने कहा कि विलासी वर्ग के सिद्धांत में वो तीन बातों की चर्चा करता है, एक आकर्षक उपभोग कंसिपेसियस कंजम्पशन, आकर्षक अवकाश कंसिपेसियस डिजायर, और तीसरा कंजर्वेशन रूढ़िवादिता। वो तीन चीजों की बात करता है कि
उपभोग भी आकर्षक उपभोग भी करेंगे, आकर्षक अवकाश भी करेंगे और उसके साथ साथ रूढ़िवादिता भी। ये सिर्फ अनावश्यक रूप से समाज को दिखाने के लिए खर्च करता है। विलासी वर्ग जो है बिना किसी आवश्यकता के समाज को दिखाने के लिए खर्चा करता है, खर्च नहीं रहता, इनकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती करता है। जैसे एक घर में 4 टीवी, एक घर के होते हुए फिर दूसरा घर ले लेना, एक कार के होते हुए दूसरी कार ले लेना, ये बदल बदल के कपड़ों के ढेर लगाना, जूतों के ढेर लगाना ना। एक समय इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी तो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के पास आया था कि 2000 जोड़ी उनके पास जूते सैंडल मिले। अब बताइए 2000 जोड़ी जूते सैंडल का वो क्या करती होंगी, ज्वेलरी सेट मिले। तो ये सारी चीज़ें क्या है, विलासिता की चीज़ें हैं, विलासी वर्ग है कि ये दिखाना चाहते हैं कि विलासी वर्ग उपभोग में जितना व्यस्त रहता है उसकी तुलना में कार्य करने में व्यस्त नहीं रहता। हम उपभोग करते हैं, हम जाते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जबरदस्ती सामान ले लेते हैं, हमको ठंड के सीजन में 2 स्वेटर से हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम स्वेटर कितने लेते हैं, हमारे पास बहुत रहते हैं कि पैंट का जैसा कलर है उससे मैच करने वाला स्वेटर हो, साड़ी के कलर से मैच करने वाला स्वेटर हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, विलासिता की हैं। यहाँ व्यक्ति काम नहीं करता, उपभोग ज़्यादा करता है, निठल्ले रहते हैं, लाभदायक कार्य करने के लिए निठल्ले बने रहते हैं, कोई काम नहीं करते। इसलिए वर्तमान स्थिति को बनाए रहने के लिए इस वर्ग द्वारा सदैव परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये हमेशा जो अच्छी, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में देखिए वर्क फ्रॉम होम की बात आई ना, तो ये जो विलासी वर्ग है यही सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम यानी घर से, घर में रह के आप काम करिए, तो ये विलासी वर्ग विरोध कर रहा है, क्योंकि उनकी मानसिकता है ना कि फैक्ट्री में आके आदमी काम करता दिखे। कई प्रिंसिपल ऐसे हैं वो अब विरोध में हैं, अरे कॉलेज में टीचर में तो हम नहीं आ रहे हैं, हम किस पे आदेश दें, किस पे ऑर्डर करें, क्योंकि उनको अपना भोग में नहीं कर पा रहे ना, ये चीज़ है। अब इसके परिणाम जो बोलता है, थॉसचिन बेबलन ने कहा कि विलासी वर्ग के सिद्धांत पे उसने कुछ परिणाम भी दिए हैं। पहला, विलासी वर्ग में आकर्षक भोग करना इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बन जाती है, सम्मान का प्रतीक बन जाता है, इसलिए इस वर्ग द्वारा अपनी प्रतिष्ठा शान शौकत को दिखाने के लिए खूब आडंबर किया जाता है, ठाट बाट के रहा जाता है। विलासी वर्ग में शिक्षा और प्रशिक्षण भी परिवर्तन हो जाते हैं, ये वर्ग उन्हीं शिक्षा को लेना चाहता है, उन्हीं एजुकेशन को लेना चाहता है, वही प्रशिक्षण लेना चाहता है जिसके आधार पर वह स्वयं को निम्न वर्ग से ऊपर रख सके। विलासी वर्ग अपनी प्रतिष्ठा को, उसमें एक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, दिखावे की प्रवृत्ति, हमेशा को अपना को अच्छा दिखाना चाहता है, वो बहुत गोष्ठियां करता है, दावतें करता है, मिलन समारोह करता है, जरूरत नहीं है फिर भी वो करता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और उसकी संपत्ति का प्रदर्शन हो सके। विलासी वर्ग में संपत्ति का संचय करना, प्रॉपर्टी बनाना, एक घर होने के बाद दूसरी घर लेना, तीसरा घर लेना, ये उसकी निर्णायक तत्व बन जाता है, एक फिक्स तत्व बन जाता है, जो बताता है कि इसके पास जितना धन है उतना ही ज्यादा महत्व होगा, और वो उसको बताता है हमारे पूर्वजों से हमको इतनी संपत्ति प्राप्त हुई थी और हमने उसको इतना बढ़ा लिया, ये मापदंड है उनके। विलासी वर्ग समाज में अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए धार्मिक आयोजन करता है। आपने देखा होगा आजकल हर शहर में क्या होता है, भागवत कथाएं खूब होती हैं। भागवत कथाएं वो मन से नहीं, श्रद्धा नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। रोजा अवतार में बड़ी पार्टियां करेंगे, शाम को लोगों को खूब बुलाएंगे, ये अपना अभिषेक करना, ये सारी चीजें वो है दिखावा। दूसरी चीज, विलासी वर्ग स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए, सबको स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों में भी, तो उनके जो कार्यरत कर्मचारी है उनमें भी एक प्रवृत्ति आ जाती है, वे भी अहंकारी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जैसे कलेक्टर है, जज है, प्रिंसिपल्स हैं, कुलपति हैं, इनके जो ड्राइवर रहते हैं, इन सब की वर्दियां होती हैं, उनमें यहाँ बढ़िया नाम रहेगा, वेज रहेगा, वो अलग ही पहचान रहते हैं, वो हमेशा उसके साथ ही चलेंगे। शाम को मतलब ये ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो अपने परिवार के साथ भी जाते हैं तो यूनिफॉर्म में जाते हैं। तो इनमें आपने देखा होगा सामंतवादी युग में राजाओं के जो सेवक होते थे, निजी सेवक, महारानियों की सेविकाएं होती थी, उसका रूप बदल के पूंजीवादी युग में क्या हुआ है, आजकल उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के ड्राइवर, विधायक, सांसद, मंत्री के लिपिक, वॉचमैन, सुरक्षा गार्ड, ये सारे न्यायाधीश, जजों के ड्राइवर, वॉचमैन, ये सारे के सारे एक पोस्ट में आ गए हैं। इनमें भी वो चीज, मतलब विलासी वर्ग के साथ साथ उनके साथ रहने वाले उनके जो सहयोगी हैं वो भी विलासी वर्ग की तरह अपने आप को स्थापित करने लगते हैं। तो ये
सिद्धांत था विलासीवर का। और आप देखिए आज विलासीवर के सिद्धांत में उसने कहा कि वास्तव में विलासिता बढ़ती जा रही है ना, पूंजीवादी व्यवस्था में यंत्रीकरण से अतिरिक्त उत्पादन और धन संचय जो है इन वर्ग की सांस्कृतिक पहचान को निरूपित कर रहा है। बेबलिन कहता है मानव इतिहास जो है विलासीवर के प्रभुत्व का इतिहास माना है, उसने कहा मानव इतिहास को विलासीवर के प्रभुत्व का इतिहास माना है। आज आप देखें महिलाएं भी आजकल महिलाएं भी अपने किचन में जो काम खुद कर सकती है वो मशीनों के द्वारा कर रही हैं, वो भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। तो ये कहता है विलासिता जो है इनकी मेन पहचान है, ये अपने आप को विलासी बनाते हैं, यही उसका विलासी वर्ग का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत उसने श्रमिक वर्ग है ना जो प्रोडक्टिव क्लास में आता है और एक अनप्रोडक्टिव जिसमें आपके ये विलासी लोग आते हैं, लेजर क्लास होते हैं, इसमें का। आज के लिए छात्रों इतना ही, कल फिर हम आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करें।